शक्ति और शिव में तो कोई भी भेद नहीं माना जाता है। सूरज और सूरज की किरणें, आग और उसकी गर्मी, ताप, आग है तो ताप होगा, गर्मी उसमें होगी, हीट उसमें होगा, सूरज है तो रोशनी उसमें होगी, प्रकाश की किरणें होंगी ही होंगी। ठीक उसी तरह से शिव हैं तो माना जाएगा कि शिव में शक्ति व्यक्त हुई है, शिव में जो शक्ति अंतर नहीं थे वो व्यक्त हुई है और पूरी की पूरी सृष्टि हमारे आपके सामने दृश्य भी है, अदृश्य भी है। ये शक्ति कहा जाता है कि या शक्ति शिवस्य शक्ति, जो भी शक्तियां हैं वो शिव की शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। मूल रूप से तो जो शक्ति मानी जाती है उसकी पूजा हो भी रही है, गौरी हैं और अन्य शक्तियां हैं जो मूल रूप से मानी जाती हैं, उनके नीचे तो असंख्य अनंत शक्तियां हैं। तो शिव के बिना तो शक्ति हो नहीं सकती, और शक्ति ना हो तो शिव भी जाने नहीं जाएंगे, अव्यक्त होंगे। जो महाकाल की स्थिति है, जब काल ही नहीं था तब भी शिव थे। काल का अर्थ होता है जब कुछ बनेगा तो काल शुरू होगा, जैसे घड़ी बन जाएगी तब समय शुरू होगा कि इस तारीख को बनी थी, इतने दिन चलेगी, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। दवा बनी है, इतने दिन ठीक रहेगी, उसके बाद इसकी शक्ति घटती चली जाएगी। तो महाकाल का यही कॉन्सेप्ट है, महाकाली का भी यही कॉन्सेप्ट है। जब काल नहीं था यानी सृष्टि नहीं थी तभी ये थे, लेकिन वहां शक्ति अव्यक्त है शिव में, शिव की इच्छा अव्यक्त है शिव में, व्यक्त नहीं हुई है, उसका प्रस्फुटन नहीं हुआ है। जैसे शक्ति व्यक्त हुई है तो वही पांच तत्व और तीन गुणों का निर्माण हुआ है और पूरी सृष्टि बनती चली गई है क्रमशः। सवाल है कि क्या शक्ति के विभेद नहीं है, वो तो नहीं है शिव और शक्ति में। हाँ। तो ऐसे में भगवान शिव से जुड़े बिना शक्ति की आराधना कैसे फलदायी होगी? देखिए, आराधना का उद्देश्य क्या है पहले तो ये महत्वपूर्ण है। आप चाहते क्या है? आप भगवती से क्या मांगना चाहते हैं? सुख, धन, धान्य, वैभव, इस जगत की चीजें, या भगवती को ही मांगना चाहते हैं? जैसे है ना, शिव से हम मांगते हैं, शिव को कहाँ कोई जल्दी मांगता है। तो भगवती से अगर मान लेना चाहते हैं तो शिव की पूजा की बहुत महत्ता नहीं है, वो दे देंगी। हालांकि शक्ति उन्हीं की है लेकिन वो दे देंगी। देवियों की स्वतंत्र पूजा होती ही होती है, पहले नहीं होती थी, अब तो होने लगी है, बहुत दिनों से, बहुत हजार वर्षों से हो रही है। लेकिन अगर भगवती को चाहेंगे आप, तब तो शिव की आराधना मस्त है, कोई उपाय नहीं है हमारे आपके पास, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की इच्छा है शक्ति। शक्ति कहा जाता है शिव की इच्छा शक्ति है, और उन्हीं की इच्छा से सारा जगत चल रहा है, वही शक्ति काम कर रही है। तो शक्ति से अगर जगत मांग रहे हैं तो मिल भी सकता है, लेकिन शक्ति को ही मांग रहे हैं, भगवती को ही अपना बनाना चाहते हैं, तब तो शिव की आराधना अनिवार्य है, आवश्यक है, कोई उपाय हमारे आपके पास नहीं है। जगत मांगिएगा तो दे सकती, देती ही। पटना से एक गुरुवहन है जिन्होंने पूछा है कि भगवान शिव और गुरु चर्चा के बिना, जैसा कि अभी लोगों को लगता है कि बंद कर दिया गया है, तो शिव गुरु चर्चा के बिना मन व्याकुल है, व्यथित है, तीन सूत्र का पालन नहीं हो पा रहा है, तो कैसे करें? चर्चा के बिना मन व्यथित, बाह्य परिवेश ऐसा है कि हमको आपको चर्चा की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे आप पर ही शारीरिक खतरा है। तीन सूत्र में दूसरा सूत्र है चर्चा करना। चर्चा का मानी क्या होता है, अर्थ क्या होता है? शिव गुरु चर्चा का प्रयोजन है कि दूसरे आपकी शिव चर्चा से शिव की ओर बढ़ें, शिव को अपना गुरु माने, उनका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, शांति उनको मिले, ये प्रयोजन है शिव चर्चा का। लेकिन तीन सूत्रों में दो सूत्र और भी हैं भाई साहब। पहला सूत्र है कि अपने गुरु शिव से दया मांगिए, दया की याचना करिए, मन उस दया की स्थिति में जाए,
और तीसरा सूत्र है अपने गुरु को प्रणाम करिए। आपने शिष्यानुभूति मेरी पतली सी पुस्तक है उसको पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि शिव शिष्यता के लिए अनिवार्य एक ही चीज है, वो है अस्थाई शिष्य भाव। यानी शिव हमारे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, यह भाव खंडित नहीं हो। जैसे आज तिथि खंडित हो गई, नवमी में दसवीं घुसाई, कभी कभी चतुर्दशी में अमावस्या घुसाती। अस्थाई शिष्य भाव चाहिए, यानी मैं शिव का शिष्य हूं तो हूं, इसमें कोई भी संशय कोई भी दो बातें नहीं होंगी। शिव मेरे गुरु हैं तो हैं। अगर अस्थाई शिष्य भाव है तो अस्थाई मन नमन की स्थिति में जाएगा, अस्थाई रूप से जाएगा, अस्थाई रूप से मन शिव से दया की याचना में जाएगा। बोलने या करने जैसा कुछ भी नहीं, मन तो नहीं लग रहा है। इसीलिए कि चर्चा करते थे तो भीड़ होती थी, भीड़ में बोल रहे हैं हम तो थोड़ा मजा आता था, अच्छा लगता था कि इतने लोग बेवकूफ बेवकूफ बैठे हैं मेरे सामने, हम ज्यादा होशियार हैं इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। दूसरे प्रयोजन भी हो सकते हैं। एक आदमी का प्रयोजन हो सकता है कि लोगों को सुना रहा वो कि शिव की चर्चा सुन के ये लोग शिव की ओर चलेंगे, शिव इनके गुरु होंगे, शिव से जुड़ेगा इनका मन, तो कम से कम शैतानियत से तो बचेगा। और कुछ की मनसा होगी कि भीड़ है इतने लोग मेरे हैं तो कुछ लौकिक जगत मिल ही जाएगा, सम्मान मिल ही जाएगा, सुविधाएं मिल ही जाएंगी, अन्य काम भी धरती के हो ही जाएंगे। तो ऐसे लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही, जिनका जगत छूट रहा है चर्चा के बिना, जागतिक सुख सुविधाएं कम हो रही हैं चर्चा के बिना, उनको तो दर्द होगा भैया कि कुछ मिल नहीं रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना सुविधा मिल रही है, ना पैसे मिल रहे हैं, ये क्या हो रहा है। शोर तो वही लोग ज्यादा करेंगे। मैं शिव का शिष्य हूं और मैंने ही पूरी दुनिया में शिव चर्चा तीनों सूत्र की बात को लाया। ठीक है, मुझको किसने सिखाया? महादेव मेरे गुरु ने सिखाया, यह बात छोड़ दीजिए, मैं ही प्रत्यक्ष रूप से दिखता हूं। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 6-7 महीने से शिव गुरु की चर्चा मेरे द्वारा बंद है, मेरी शिष्यता का क्या होगा, कभी नहीं आया मेरे मन। क्योंकि शिव मेरे गुरु हैं, चर्चा हो या नहीं हो क्या अंतर आता, महादेव मेरे गुरु हैं, जब मौका मिलेगा तो लोगों को शिव की ओर प्रेरित करें। अगर शिव चर्चा बंद होने से आपकी शिव शिष्यता खंडित हो रही है, आपकी शिव शिष्यता कमजोर हो रही है, तो लानत है ऐसे शिव शिष्यों पर, ऐसे शिव शिष्यों को शिव शिष्यता छोड़ देनी चाहिए, या मेरी राय।